सो हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार हमारे फेसबुक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमें जो है अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ सकता है, या फिर अगर हमें कोई नया अकाउंट बनाना हो तो हमें जो पुराना अकाउंट है उसे डिलीट करना पड़ सकता है, या फिर आप अगर अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। बस आपको मैंने इस जो वीडियो में जो भी स्टेप बताए वो आपको फॉलो करने होंगे, जिसके जरिए आप जो है आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यार अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको फेसबुक लाइट या फिर फेसबुक जो मेन ऐप होता है वो आपको यहाँ से ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो ऐप है, मतलब फेसबुक लाइट है और फेसबुक जो कि मेन ऐप है, उन दोनों में ही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं जो फेसबुक जो ऐप है वहाँ से करूँगा, जो फेसबुक लाइट है वहाँ से नहीं करूँगा। लेकिन आप जो है दोनों ऐप अगर आपके पास है तो आप किसी एक में भी वो सेटिंग मैंने जो भी ये वीडियो में बताऊँगा वो दोनों ही सेम रहेगी। तो यार हम चलते हैं सीधा फेसबुक में। तो यहाँ पर आपको जो है थ्री लाइंस पर आ जाना होगा, ये फेसबुक लाइट में भी अवेलेबल है ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है आपको ऊपर की तरफ थ्री लाइन दिखेंगी, यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आप जैसे आ जाएंगे यहाँ पर आपको जो है आपका प्रोफाइल और बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप जैसे थोड़ा बहुत नीचे स्क्रोल करेंगे यहाँ पर आपको एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग सेटिंग सिक्योरिटी सेटिंग प्राइवेसी सेटिंग और फेसबुक इन्फॉर्मेशन का भी बहुत सारी जो अकाउंट है, मतलब आपके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें काम है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के इस सेक्शन में। यहाँ पर आपको जो है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इस आप यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा बहुत लोड लेगा, तो उसके बाद जो है आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। सबसे पहला है मेमोराइजेशन सेटिंग, तो ये जो है आप अगर पास आउट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट का क्या होगा, वो सेटिंग है ये। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दो नंबर पर डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का एक ऑप्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा। अब जैसे यहाँ पर टैप करेंगे ये थोड़ा बहुत लोड लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको आपके फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है तो आप जो है उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है परमानेंटली फेसबुक अकाउंट जो है आपका परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 7 दिन के लिए, या फिर 30 दिन के लिए, या फिर 15 दिन के लिए, ऐसा आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपको अकाउंट डिलीट कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर फिर आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है हेल्प के लिए भी पूछेगा कि कुछ वो फेसबुक जो है आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, कि आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर किस वजह से जो है आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको हेल्प चाहिए क्या। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको आपका फेसबुक अकाउंट जो डिलीट ही करना है तो नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको जो है डीएक्टिवेशन की बहुत सारी प्रोसेस भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और फिर यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है किस किस ऐप से जो है वो लिंक्ड है, तो आप यहाँ से उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं उस ऐप से। फिर यहाँ पर आपको नीचे डिलीटेशन अकाउंट का एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड दे देना होगा, पासवर्ड दे देने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा, और फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद जो है आपको एक और बार डिलीट करने का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है फिर से डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आप जो है मेन मेन्यू में आ जाएंगे, मतलब फेसबुक के एकदम पहले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको जो है आपकी आईडी 30 दिनों तक लॉगिन नहीं करनी है। और अगर आपको कोई लगता है कि आपकी आईडी डिलीट नहीं होनी चाहिए तो 30 दिन के अंदर आप कभी भी अपनी आईडी जो है लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने महीने भर, मतलब 30 दिन तक आपकी जो आईडी है उसे लॉगिन ही नहीं किया तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो भी परमानेंट। ये कुछ सिंपल सी स्टेप थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया।
बताई, जिससे कि आप जो है आपका फेसबुक का अकाउंट जो है वो परमानेंटली या फिर टेम्परली डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको जो है नीचे की ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो यार बस दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।